Time is money. And if, as a data analyst, you work on a time series data, then you can actually earn a lot of money. ये मैंने कह रहा, आपको डेटा एनालिस्ट खुद अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे अगर आप यूट्यूब या डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स पे जाके डेटा एनालिस्ट के एक्सपीरियंस को चेक करें. अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो है टाइम सीरीज डेटा. ऐसा डेटा जो टाइम के इक्वल इंटरवल्स पे रेगुलरली हमने रिकॉर्ड किया हो. मिसाल मैं दे देता हूं आपको कि रोजाना के बेस पे अगर आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये टाइम सीरीज डेटा है, क्योंकि हर एक टेम्परेचर की रीडिंग के साथ साथ आपके पास डे भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, मंथ फॉर श्योर मंथ भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है. तो जब भी आपके डेटा के साथ एक कॉलम टाइम का आ जाए तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज का डेटा, और वो टाइम रेगुलर इंटरवल पे हो. से फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे मैंने ये किया, 9 बजे मैंने ये किया, 10 बजे ये किया, 11 बजे ये किया, 12 बजे ये किया, और ये रेगुलर इंटरवल पे मेरे पास अगर पूरा डेटा है सो दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज का डेटा. टाइम सीरीज एनालिसिस और टाइम सीरीज की मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के दौर में जो टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाहता है जानता है वो एक मंजा हुआ डेटा एनालिस्ट होता है. अगर नहीं यकीन तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ. स्क्रीन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, यहां पे आ देखें कि हमारे पास टाइम सीरीज का डेटा जो है वो मौजूद है. अब टाइम सीरीज होती क्या है और टाइम सीरीज का डेटा किस तरीके से हम देखते हैं, ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कलेक्ट किए जाते हैं या रिकॉर्ड किए जाते हैं या मेजर किए जाते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज का डेटा या टाइम सीरीज डेटा. और टाइम सीरीज डेटा एक बहुत बड़ी डेटा एनालिसिस की डोमेन है और बहुत ज्यादा लोग इस पे काम करते हैं. खास तौर पे वेदर फोरकास्ट के लिए टाइम सीरीज का डेटा चलता है, फ्लड प्रेडिक्शन के लिए आप टाइम सीरीज का डेटा चाहते हैं, इवन दो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इसका रोल है. अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं और आपको टाइम सीरीज एनालिसिस आता है, बिलीव मी यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट कि कौन सा कॉइन जो है बिटकॉइन ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है. एथेरियम रिसेंटली बहुत पीक पे गया, वो जो अप्रूव है गवर्नमेंट से, यूएसए की गवर्नमेंट से वो अप्रूव भी हो गया. इसी तरीके से बिटकॉइन अप्रूव हुआ और इसकी रिसेंट हिस्ट्री के बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. वो सारे का सारा काम टाइम सीरीज का होता है. अगर आपने एनवीडिया के स्टॉक देखें तो जैसे जैसे एआई का बूम आता जा रहा है एनवीडिया के स्टॉक्स ऊपर जाते जा रहे हैं. तो स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए भी टाइम सीरीज का डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए. तो ये प्रॉपर एक डोमेन है डेटा एनालिस्ट की. इस वजह से मैं बताता हूं कि स्टॉक प्राइसेस ओवर टाइम ये टाइम सीरीज डेटा है. डेली टेम्परेचर अगर आप रीडिंग्स लेते हैं तो वो भी आपका टाइम सीरीज का डेटा है. इसी तरीके से अगर आप अपने मंथली इलेक्ट्रिसिटी के बिल को काउंट डाउन करते जाते हैं, काउंट करते हैं, और आपके पास पिछले 12 साल या 10 साल का डेटा है वो भी एक टाइम सीरीज का डेटा है, और उसके बेस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका अगला बिल कितना होगा और महंगाई कितनी होगी. सो दीज ऑल डेटा सेट्स आर टाइम सीरीज का डेटा, एंड देन दीज आर आइडियल फॉर ट्रेंड एनालिसिस. आप ट्रेंड बना सकते हैं कि कौन सी चीज ट्रेंडिंग कब होगी, इवन दो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड टिकटॉक के ऊपर किस वक्त वायरल जाएगा और क्यों वायरल जाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस. एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर प्रेडिक्शंस एज वेल. अब ये फोरकास्टिंग बोलते हैं, जब भी आप कोई चीज फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक इंटरवल उसको हम फोरकास्ट बोलते हैं. आप टाइम सीरीज के अंदर वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, रेनफॉल फोरकास्टिंग करते हैं एंड सम अदर फोरकास्टिंग भी करते हैं. दिस कैन बी कम्प्लेक्स ऑब्वियसली टू एनालाइज, क्योंकि पहले डेटा सादा ही नहीं मान, ऊपरों इधर नाल टाइम लग गया. सो दैट मीन्स के टाइम सीरीज का डेटा एक कम्प्लेक्स डेटा होता है, एंड दिस इज यूजली इफेक्टेड बाय मल्टीपल थिंग्स जिसमें हम टाइम को लेते हैं, और दिस कैन बी एक्चुअली बायस्ड बाय टाइम का डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टाइम सीरीज का डेटा मौजूद है, आप हो सकता है आपके माइंड में हो कि जून जुलाई अगस्त के अंदर गर्मी ज्यादा होनी है, क्योंकि हमारा जो समर का बूट कैंप है वो भी जून जुलाई एंड अगस्त के अंदर हो रहा है 2024 के अंदर. इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि इस वक्त गर्मी ज्यादा है, ठीक है. तो ये आपकी बाइसनेस हो सकती है कि जून जुलाई अगस्त में तो गर्मी होनी होनी है, इसको छोड़ो बाकी देखो कब गर्मी हो रही है. सो समटाइम्स इट कैन ऑल्सो हैपन कि मई के अंदर गर्मी अच्छी खासी स्टार्ट हो जाए. सो व्हाट कैन टेल यू दिस, इट्स एक्चुअली टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. टाइम सीरीज का डेटा अगर आपके पास मौजूद है और उसकी बेस पे आप इसको फोरकास्ट कर सकते हैं. ये था जनाब टाइम सीरीज डेटा. किसी भी डेटा के साथ जब टाइम लग जाता है उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा. अब टाइम इज मनी, और अगर आप टाइम के साथ डेटा लगा दें, डेटा इज न्यू ऑयल, अगर आप टाइम सीरीज के डेटा को मिला के एनालाइज करना सीख जाएं, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. अगर मेरे पे नहीं यकीन तो अभी जाके सर्च कीजिएगा लिंक्डइन पे, फाइवर पे और अपवर्क पे कि टाइम सीरीज एनालिसिस की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा. टेक केयर.